हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ क्लास ट्वेल्थ मैथ्स के चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स, चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड चैप्टर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन आपके लेटेस्ट ब्लूप्रिंट और रिड्यूस सिलेबस के ऊपर कम्प्लीटली बेस्ड हैं। और अगर आप अपने मैथ्स एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ बच्चा इन सारे क्वेश्चन को अपने प्रिपरेशन में ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके पहले मैं आपके साथ चैप्टर 1, 2 और 3 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर कर चुकी हूं। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको केमिस्ट्री फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अगर चाहिए तो वो वीडियो भी चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, उन वीडियोस का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। चाहे तो एक बार सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक वाली वीडियोस देख लीजिएगा, सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। तो हम क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने वीडियो नंबर 1 में भी बताई थी। बात यह है कि आपका जो मैथ्स सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री फिजिक्स से थोड़ा अलग है, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स में जब हम क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं और वो एज इट इज एग्जाम में आ जाते हैं तो हमें क्वेश्चन का आंसर वही लिखना होता है जो हमने लर्न किया होता है, बिना उसमें कोई चेंज किए। बट मैथ्स में ऐसा नहीं होता है, मैथ्स में क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं किए जाते हैं बल्कि प्रैक्टिस किए जाते हैं। और मैथ्स में आप किस चैप्टर के कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना ज़्यादा टाइम आप उस चैप्टर को दे रहे हैं, इसी बात पर डिपेंड करता है इस चैप्टर के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कितने करेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको हर चैप्टर को बहुत ज्यादा टाइम देना है। ये जो सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपको उन्हें प्रैक्टिस कर करके रटना नहीं है, उन्हें समझ के सॉल्व करना है। साथ में चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है, फॉर्मूले हैं, फंडे हैं, सारे लॉजिक्स आपको समझते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि कई बार मैथ्स में वैल्यूज चेंज होके भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इन केस अगर वैल्यू चेंज होके क्वेश्चन आता है तो आपने चैप्टर को ईमानदारी से पढ़ के सॉल्व किया होगा, तो आप वो अलग वाला क्वेश्चन भी जरूर से सॉल्व कर लेंगे। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे और आप मैथ्स को थोड़ा सा ज्यादा टाइम जरूर देंगे। तो ऑन दैट नोट हम अपने चैप्टर्स के क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स की बात करेंगे। इसका टोटल वेटेज आपका है 6 मार्क्स का, जिनमें से 2 आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे और 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। तो 4 मार्क के क्वेश्चन के फॉर्म में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अब हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिल रहे हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स प्लीज़ या तो अपनी बुक में मार्क लगा लीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन का पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल नहीं करा पाऊंगी। आई होप आपने एग्जाम्पल मार्क कर लिए होंगे। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज 4.2। ये 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 4 मार्क में इनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, प्लीज इन्हें भी बुक में मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 के ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नाउ 4.5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, आई होप आपने मार्क कर लिए होंगे। एंड लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आई होप आपने सभी क्वेश्चन अच्छे से मार्क कर लिए हैं। अब हम चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर लेते हैं। इसका टोटल वेटेज आपको एग्जाम पेपर में 8 मार्क का है, जिसमें से 2 आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 4 मार्क का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले एग्जाम्पल्स, सारे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज मार्क कर लीजिए। नाउ एक्सरसाइज 5.1। 5.1 एक्सरसाइज को ज़्यादा अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी का एक क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आता ही आता है। आई होप आपने मार्क कर लिया होगा। अब एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन प्लीज मार्क कर लीजिए। नाउ एक्सरसाइज 5.3, नाउ 5.4, देन 5.5, नाउ एक्सरसाइज 5.6 एंड लास्ट एक्सरसाइज 5.7। ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो क्या मैं आपको तो कहूंगी कि ये चैप्टर ही बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलस का पहला चैप्टर है और इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड आपके अगले और 4 चैप्टर हैं। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आएगा तो कैलकुलस के अगले 4 चैप्टर भी आपको अच्छे से आ जाएंगे। और इस चैप्टर में आपको मैं 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रोवाइड करी हूँ, जो अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। एक्स्ट्रा इसलिए ये क्वेश्चन क्योंकि ये एनसीईआरटी में से नहीं है, बट आप ये चैप्टर जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको तीनों क्वेश्चन आराम से सॉल्व करते आ जाएंगे। प्लीज क्वेश्चंस को
मार्क कर ली, आई मीन नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चैप्टर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स की बात कर लेते हैं। इसका टोटल वेटेज 6 मार्क्स का है, जिसमें से एक आपको ऑब्जेक्टिव आएगा एग्जाम में, एक 2 मार्क का क्वेश्चन और एक 3 मार्क का क्वेश्चन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अब प्लीज मार्क कर लीजिए बुक में। नाउ एक्सरसाइज 6.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ एक्सरसाइज 6.3 एंड लास्ट एक्सरसाइज 6.5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस मार्क कर लिए होंगे। इस चैप्टर में से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जो एनसीईआरटी से नहीं है, जो आपको अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। चैप्टर पढ़ने के बाद आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपने सभी चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लिए होंगे। आपको वीडियो के एंड में दो इंपॉर्टेंट बातें मैं कहना चाहूंगी। पहली बात तो ये है कि आपको एग्जाम्पल्स जरूर करने हैं सभी चैप्टर्स के, क्योंकि लास्ट 3 ईयर से जो भी पेपर आ रहा है उसमें नंबर ऑफ एग्जाम्पल ज्यादा पूछे गए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूं मैं। ऑब्जेक्टिव इस बार आपको 32 मार्क्स के आने वाले हैं, तो ऑब्जेक्टिव को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। 32 बहुत ज्यादा बड़ा नंबर होता है, और 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने के लिए 32 तो आपके कंप्लीटली सही ऑब्जेक्टिव जाने ही चाहिए। तो जब तक मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला रही हूं ऑब्जेक्टिव्स वाली, तब तक आपको एक काम करना है कि एनसीईआरटी में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इवन अगर वो मिसलेनियस एक्सरसाइज में है तो भी आपको उन्हें जरूर प्रिपेयर करना है। सॉल्व नहीं करते आता है तो रट लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से एज इट इज ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं पिछले 3 सालों से। इवन वो लोग नंबर भी चेंज नहीं करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव आपको नहीं छोड़ना है। अगर मान लीजिए 32 में से आपके 28-29 भी सही चले जाते हैं तो क्या बुरी बात है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करूंगी, साथ ही साथ केमिस्ट्री फिजिक्स के भी बचे हुए चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लाने वाली हूं चैनल पे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करके ही जाइएगा, ताकि उन सारी अपकमिंग वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।